हेलो फ्रेंड्स, पकवानों के जायका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बसंत पंचमी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं जर्दा बनाऊंगी, जो बसंत पंचमी को हमेशा बनाया सभी लोग पीला चीज़ बनाते हैं, सरस्वती माँ को चढ़ाते हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको जर्दा बनाना सिखाऊंगी और बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत ईजी है बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुकर में 3 गिलास पानी डाल दिया है और थोड़े से पानी में येलो फूड कलर जो है उसको घोल लेंगे। थोड़ा सा है मतलब आप 2 चुटकी समझ लीजिए, डाल के उसको अच्छे से घोल लेंगे और उसको पानी में मिक्स कर देंगे। और इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। 3 टेबल हमने ऑयल डाल दिया है, इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको गैस जला देंगे और पानी को उबाल होने देगा। ये मैंने चावल को 2 मुट्ठी चावल लिया, मतलब हाफ कटोरी चावल को धो अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम उसी पानी में डाल देंगे। पानी देखिए गर्म हो गया, भाप निकल रही है। अब बंद करके तेज आंच में 2 सीटी बजाएंगे। तेज एकदम हाई फ्लेम रखेंगे, अगर मीडियम फ्लेम रखेंगे कुछ तो 1 ही सीटी बजाएंगे। हाई फ्लेम में हम क्योंकि हमको जल्दी बनाना है तो एकदम हाई फ्लेम में 2 सीटी बजने तक मैंने बजा लिया है। और देखिए निकाल दिया, चावल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है तो उससे चावल टूट जाएंगे और गीले हो जाएंगे। तो मुझे चावल को बहुत ज़्यादा नहीं पका, मतलब एक थोड़ा सा कसर पकने में रह जानी चाहिए। तो 2 सीटी में आप तेज आंच में बजाएंगे तो उतना ही पकेगा। अपने पानी से मैंने चावल को अलग कर लिया है, गैस पे कढ़ाई चढ़ा के उसमें देसी घी डाल दिया, थोड़ी सी कटी हुई गरी डालेंगे, हमने पतला पतला काट लिया है लंबाई में। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। इसमें काजू बादाम डाल दिया है, इसको भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया। मैंने आधी कटोरी चावल लिया था तो आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है, और चीनी आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। आधी कटोरी चीनी को मैंने उसका भी हाफ हम उसके नीचे एक लेयर बिछा देंगे कढ़ाई में। आधी कटोरी चीनी का आधा हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें 2-3 चम्मच दूध डाल देंगे, मान लिया आधा कप मैंने दूध डाला है, आधा कप से थोड़ा कम है तो उसको चारों तरफ से मिला मिक्स कर देंगे। चीनी बस, चीनी फैल के दूध भी हो गया। अब इसी में हम जो चावल हमने बॉयल करके रखा है उसको आधा चावल, जैसे आधी चीनी मैंने डाला है उसी तरह आधा चावल हम इसमें पहले डाल देंगे। चारों तरफ बिछा देंगे, पूरे जितना चीनी जहाँ जहाँ है उसी के ऊपर हम चावल बिछा देंगे। अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे, चीनी के ऊपर ही हमको चावल डालना है। और गैस की फ्लेम एकदम लो करेंगे, एकदम लो फ्लेम हमको गैस की जगह जरा भी मीडियम भी नहीं रखना, लो फ्लेम रखना है। चावल फैला पूरा अच्छे से फैला लेंगे आधा चावल। अब जो आधी चीनी बची हुई थी उसको हम चावल के ऊपर फिर इसकी एक लेयर लगा देंगे। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी और भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर चीनी के ऊपर फिर हमने जो आधा चावल बचा के रखा था उसको डाल देंगे। आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। पूरी लेयर अच्छे से बिछा देंगे। अब इसके ऊपर जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं एक पहले एकदम सीखना कर लेंगे, उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट मैंने रखा वो भी डाल देंगे। अभी पहले अच्छे से हो गया, अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट और भी ज़्यादा कर सकते हैं हम अपने, थोड़ा सा बनाए थे मैंने थोड़ा सा करा, आप अगर बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब काजू बादाम गई डाला, थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया, वैसे ही डाल रहे हैं, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं किशमिश को। अब थोड़ा सा इसमें हम केसर के धागे डाल देंगे, इसको मैंने दूध में भिगो के नहीं डाला, वैसे ही केसर के धागे डाल दे रहे हैं, थोड़े डाल दिए। अब इसको हम ढक देंगे। अब दूध
कलर नहीं चढ़ाना था इसलिए मैं केसर ऐसे ही डाला, क्योंकि कलर तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब इसको ढक के हम लो एकदम लो फ्लेम में ढक के थोड़ा सा चीनी के मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे, देख लेंगे। अभी चीनी मेल्ट हो गई है लेकिन इसको तो दूध और चीनी का जो पानी निकला है उसको हमको सुखाना है, तो एकदम लो फ्लेम में ऐसे 2-3 मिनट और पका लेंगे जब तक कि पानी सूख ना जाए और दूध सूख ना जाए और चीनी का जो मेल्ट होकर पानी हो गया वो भी सूख ना जाए। 1-2 मिनट मैंने और कर लिया है, देखिए पानी सूख गया है, चीनी एकदम सूख गई, दूध भी सूख गया। इसको मैं अच्छे से मिक्स करें, देखिए चावल एकदम अलग अलग हैं और अच्छे से पक भी गए, एक भी चावल चिपका नहीं एक दूसरे में, स्टिकी नहीं बना, एकदम कितना अच्छा सा खिला खिला चावल बना है। तब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। लेकिन कहीं से भी एक भी चावल चिपके नहीं है। अब इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम खिला खिला, चिपका भी नहीं रहेगा। देख कितना अच्छा लग रहा है, देख के ऊपर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत जल्दी बन गया। कितना इसको सरस्वती बसंत पंचमी को हमेशा सभी लोग इसको बसंत पंचमी बनाते हैं, जर्दा बनाएंगे, बेसन के कुछ भी पीला चीज़ ही बस माँ सरस्वती को चढ़ाया जाता है, तो बसंत पंचमी ज़्यादातर जर्दा सभी लोग बनाते हैं। इस बार बसंत पंचमी को आप भी जर्दा बना के देखिए, बहुत ईजी है। ऊपर से हम थोड़ा सा टूटी फूटी डाल दे रहे हैं ग्रीन कलर ऑरेंज कलर की, आपके पास हो तो डाली नहीं ऑप्शनल है, आप और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, इसको ज़रूर बनाइएगा, कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी। और कुकर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, झटपट बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बनाने में भी बहुत ईजी है। इसे बनाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए। थैंक यू।